र क्लाइमेक्स पनि मेरो हातमा छ। तो नमस्कार, नेपाली मूवी एक्टर इसका टीजर रिलीज कर दिया गया है जो बहुत धमाकेदार है। इसमें अच्छे से अच्छे कलाकार दिखाए क्योंकि मूवी का नाम ही है एक्टर। तो पहले जो टीजर आया है ना एक्टर का वो हम देख एंटरटेनिंग द नेशन। मान्छेले आफ्नो हैसियत अनुसारको सपना देख्नु पर्छ किनकि जब सपनाले आफ्नो हैसियत देखाउन थाल्छ त्यसको भारी मूल्य आफैले चुकाउनु पर्छ। शुरुआत में दिखाया जाता है ना कि एक्टर की पिटाई होती है और उसको पानी में डुबो दिया जाता है। जब पानी में जाता है ना तो वो एक बात बोलते हैं कि इंसान को अपनी हैसियत के अनुसार सपना देखना चाहिए, नहीं तो हैसियत से बढ़कर जब आदमी सपना देखता है ना तो उसको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। एक्टर ऐसा क्यों बोलते हैं ये तो मूवी आने के बाद और ट्रेलर में देखने के बाद ही पता चलने वाला है। दिखाया जाता है कि जो एक्टर होते हैं प्रदीप खड़का वो सपना देखने लगते हैं क्योंकि उन्हें किसी से प्यार हो जाता है, क्योंकि इसमें एक्टिंग की दुनिया में वो इतना खो जाते हैं क्योंकि इसमें सस्पेंस भी है। सस्पेंस ये है कि एक बड़ी सी तिजोरी दिखाई जाती है, ताला दिखाया जाता है और वो कहते हैं कि सपना देखने के लिए हिम्मत होनी चाहिए और वो हमारे अंदर है और ये मेरा सपना है, ये मेरी कहानी है। पर उसमें जो विलन आता है ना वो कहता है ये मेरी कहानी है। मूवी 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी। मूवी बहुत अच्छी होगी। इसमें वो एक्टर बने हैं क्योंकि वो गिटार बजाते हैं, हीरोइन दिखाई जाती है, हीरोइन के साथ वो डांस करते हैं। इसमें जो हीरोइन है ना वो बहुत खूबसूरत दिखाई गई है। इसमें प्रदीप खड़का, दिव्या राम मांझी, राज बल्लभा, कोयराला, इस टीजर में जितने भी कलाकार दिखाए गए ना वो बहुत अच्छे दिखाए हैं। एक्टिंग भी उनकी बहुत दमदार होती है। वो अपना सर उसमें दीवार में भेड़ देते हैं और उनके ब्लड निकलने लगता है। वो एक्टिंग में इतना खो जाते हैं ना कि वो अपने आप को मेन हीरो मानने लगते हैं और हीरो को कौन बचाने आएगा। हीरो का झगड़ा तो एक विलन से होने वाला ना, इसमें एक विलन भी दिखाया जाता है जो कहता है ये मेरी स्टोरी है। तो इस स्टोरी में सब कुछ बहुत सस्पेंस रखा गया है। पहले तो वो पानी में डूबते हुए दिखाए गए, एक बार ये भी दिखाया गया कि उनके चारों तरफ चेहरे में पट्टी बंधी हुई पर वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि ये सस्पेंस है। थ्रिलर में ये दिखाया गया कि एक बहुत बड़ा मतलब कारखाना है, उसमें एक तिजोरी रखी हुई है जिसको खोलने के लिए शायद ये हीरो ही जाता है क्योंकि मूवी का नाम एक्टर है और विलन उसमें से बहुत कीमती चीज़ निकालना चाहता है, पर ये हीरो है तो इसलिए अपनी एक्टिंग के बलबूते पे वो सब कुछ निकालना चाहते हैं। और शुरू में वो कहते भी हैं कि ये मेरी स्टोरी है। तो टीजर बहुत अच्छा था, धमाकेदार था। 2024 में जितनी भी मूवियों के हमने रिएक्शन दिए जैसे रामन और मुरली फ्रॉम बोली, वो एक कॉमेडी मूवी है, एक से बढ़कर एक मूवियाँ आ रही हैं। रावण मूवी में बहुत ही ज़्यादा भयानक दिखाया गया, टीजर में बहुत सस्पेंस था, बहुत ज़्यादा सस्पेंस था। इसमें टीजर बहुत धमाकेदार था। कई बार तो पहले तो अच्छा लग रहा था कि वो रोमांस कर रहे हैं, फिर इसके बाद में दिखाया था उनके रोमांस के बीच में एक और लड़की आ जाती है। जब गेट बंद होता है तो उनको वो उनकी जो उनसे प्यार करते वो उन्हें देख लेती है, फिर नफरत का काम चालू होता है, फिर इसमें विलन की एंट्री होती है। विलन और हीरो के सब दोनों में से मिलके ये सपना है किसका, क्योंकि विलन हैसियत से ज़्यादा बढ़कर सपना देख रहा है
और हीरो अपनी हैसियत के हिसाब से सपना देख रहा है, तभी तो वो अपने आप को नुकसान पहुंचाता है ना। उनको इतना कौन मारता है जो उनके चारों तरफ पट्टी बंधी होती है। शायद वो मर गए होते हैं और उनको पानी में फेंक दिया जाता है, पर वो जिंदा होते, बेहोशी में ही सपना देख रहे, इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि शायद ये मेरा सपना है। इसलिए ये टीजर बहुत धमाकेदार था। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि नेपाली मूवी एक्टर का टीजर आपको कैसा लगा। बने रहिए हमारे साथ रिएक्शन वाजरे, इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर से जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।